ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ठीक है जी। नहीं 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 तो कोरे, नहीं तो कोरे हाल भी तेरे हट के कनेडा में कवर लो पंजाबी शो नन वो कह दिए जे जे ना लड़ाई होवे ब्लेड नाल सीटे ही पाट देंगे। तो चल कुछ कुछ तो करिए, आ जा रहे हैं तो कुछ कर। देखो मान साहब दा इतना दिल भिजना है और मान साहब तो कहते हैं कि मैनू बनाने वाले और मान साहब पूरी रात पाए मान साहब नॉन स्टॉप तक गलत कर सकते हैं मैं कहीं भी नहीं बन रही रख सकता की सांस जी है अपने आप एक सबूत है। और कई बार तो बच्चे बच्चे बोले कलाकार का क्रेज हो जाता है कि अभी टीवी पर आने पर आम बंदे नहीं होंगे लपड़ लुपड़े बने हुए पता नहीं। मैं जा रहा फंक्शन से मैं जाके खड़ गया स्टेज के पिछले पास दो बच्चे हम आ गए मेरे मेरे को हिम्मत नहीं क्योंकि मेरे को तू जा वो तू दा वो आत्मा मैं बोला वो तू दा एक ने हिम्मत की आया मेरे मोटे को ना चला के चला गया ना कर ना तू भी हाथ लाया कुछ नहीं कहना बजुर्ग ताश खेली जाते थे मैं अपने ड्राइवर को क्या गड्डी रोक गया थोड़ा जहाँ पैसे कहने लिए मैं एक दिन उन्होंने पिछले जाके बह गया उन्होंने पता नहीं वो बहुत हैरान पर एम पी साहब आ गए एम पी यही आ गया यार गवर्नमेंट त्यौहार आना प्रबंध कर लेंगे मैं कोई गल नहीं बजुर्ग मैं लंघे जा रहा कि हाँ चाल एक बजुर्ग बार बार मिले तो हाथ लाए गए बार बार जो मैं वो देखा 70-75 साल की उम्र से पूरी अखा चंजू से अखा गिलियां रोई जाता मैं बजुर्ग मेरे को कोई गलती हो मैं माफ़ी मांग लगा पूरी की जानी ऐसी टचिंग गल उस बजुर्ग ने कही मैं बहुत दुख होया इस गल का कि साडे लीडर ने साडियां वोटां दा मुल पाया वो कहता पुत तैनू माफ़ी मांगने की लोड़ नहीं आ अथरू जे तां सहुरे ये सोच के आ गए कि इन्हां हत्थां नाल बहुत दिन भी बनाए ने पर अपने हत्थी बनाए ने किसी एमपी भी आ हाथ ला के पहली बार हाँ जी तो मेरे को तो पता है कि जो